अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल शान ट्रैक्टर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिल्लत कंपनी ने अपने ट्रैक्टर की कीमतों में कितना इजाफा किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मिल्लत का जो MF 240 है, इसकी जो पुरानी प्राइस थी वो 10,85,700 थी और 1,37,550 की इजाफे से अब इसकी कीमत 12,23,250 हो गई है। और जो इनका MF 350+ है, इसकी पुरानी प्राइस 11,86,500 थी और अब इजाफे के बाद अब 14,07,000 हो चुकी है। मिल्लत कंपनी का जो MF 260 टर्बो, उसकी पुरानी प्राइस 12,44,250 थी और अब 1,73,250 के इजाफे से इसकी जो नई कीमत है वो 14,17,500 हो चुकी है। और जो इनका MF 360 है, उसकी पुरानी प्राइस 12,86,250 थी और अब 2,10,000 इजाफे के बाद 14,96,250 हो गई है। मिल्लत कंपनी का जो MF 375 है, उसकी पुरानी प्राइस 16,17,000 थी, 2,20,500 इजाफे के बाद इसकी नई कीमत जो है 18,37,500 हो गई। और जो MF 375 फोर व्हीलर है, उसकी पुरानी प्राइस 20,87,400 रुपये थी, 2,96,100 रुपये के इजाफे के बाद नई कीमत 23,83,500 हो गई। और मिल्लत ट्रैक्टर का जो मशहूर और मरूफ ट्रैक्टर, बहुत ज़्यादा चलने वाला ट्रैक्टर MF 385 85 हॉर्स पावर, उसकी जो पुरानी प्राइस थी वो 16,90,500 रुपये थी, 2,20,500 इजाफे के 19,11,000 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है। और MF 385 जो फोर व्हीलर, उसकी पुरानी प्राइस 22,26,000, 2,52,000 इजाफे के बाद इसकी जो नई कीमत है वो 24,78,000 हो गई है। ये थी मिल्लत ट्रैक्टर की नई कीमत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।